अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ स्वीट पोटैटो चाट। स्वीट पोटैटो यानी शकरकंदी चाट एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी को पसंद आती है, और शकरकंदी की चाट तो इतनी टेस्टी होती है कि आप खाते ही रह जाएंगे। सर्दी की ठंड में इस चाट का मज़ा ही कुछ और होता है। हर कहीं अलग अलग तरीके से इसको बनाया जाता है। आज की रेसिपी मेरे स्टाइल में है, तो बनाते हैं इस चाट को आसान तरीके से। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाना है। यहाँ मैंने ली है आधा किलो शकरकंदी, जिसको मैं पीलर की मदद से इस तरीके से छील लूंगी। सब शकरकंदी को इसी तरीके से छील लेना है और फिर इतने मोटे मोटे टुकड़े में इन सब पीसेस को कट कर लेना है। अब इन सब पीसेस को पानी में इस तरीके से डिप करके रखेंगे ताकि इसका कलर चेंज ना हो। अब एक कढ़ाई में ये सब शकरकंदी के पीसेस को अच्छे से धोकर डालेंगे। फिर इसमें जाएगा 2/3 कप पानी और साथ ही इसमें 1/2 टीस्पून नमक डालकर मिक्स करेंगे और इसको पकने देंगे जब तक बॉईल ना आ जाए। जब बॉईल आने लग जाए तब इसको ढककर 5 से 6 मिनट तक पकने देंगे। इसको पकते हुए 6 मिनट हो चुके हैं, बस इसको एक बार चेक कर लेना है कि ये गल गई है या नहीं। देखें कितने अच्छे से ये गल चुकी हैं। बस अब इन सबको एक बोल में निकाल लेंगे। अब क्या करना है, एक पैन में या फिर एक कढ़ाई लेंगे, उसके अंदर 1 टेबल स्पून ऑयल डालें। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए तब इसमें उबली हुई शकरकंदी को डालकर गैस की फ्लेम को मीडियम पर करें और अच्छा सा कलर आने तक इन सबको रोस्ट कर लें। कुछ ही देर में ये सब ऑयल एब्जॉर्ब हो जाएगा और जो एक स्टिकीनेस सी इस पर है वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। जब शकरकंदी पर इस तरीके से कलर आने लग जाए बस तब तक ही इसको रोस्ट करना है। अब गैस की फ्लेम को करेंगे बंद और एक बोल में इन सब भुनी हुई शकरकंदी को उतार लेंगे। देखें ये सब शकरकंदी मैंने उतार ली है। बस अब इसकी एक बेहतरीन सी चाट बनाते हैं। तो सबसे पहले इसमें डालना है हमें काला नमक 1/2 टीस्पून, भुना हुआ जीरा पाउडर 1/2 टीस्पून, चाट का मसाला 1/2 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून डाली है। जैसा तीखा आपको पसंद है मिर्च की क्वांटिटी कम ज्यादा कर सकते हैं। अब इसमें डालना है 2 टीस्पून भरकर नींबू का रस और आखिर में इसमें जाएगा 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। बस अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आप डालना चाहें तो इसके अंदर इमली की चटनी भी डाली जा सकती है। बहुत तरीकों से इस रेसिपी को बनाया जाता है। मेरे तरीके से भी इस चाट को बनाकर देखें, बहुत ही जायकेदार और चटपटी ये चाट बनती है। मिक्स करने के बाद गर्मा गर्म ही इसको सर्व करें। बाजार में भी ये शकरकंदी की चाट मिलती है। बाजार से अच्छा आप इसको घर पर आसानी से बना सकते हैं और यकीन जाने बाजार से भी अच्छा टेस्ट आपको इस चाट का लगेगा। रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।